गुड मॉर्निंग दबिहार टीचर सिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। इस समूह से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। मैं एक बार फिर अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। चलिए क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। शिक्षा बेहतर भविष्य की नींव है। आइए हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। शिक्षा की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोज में हमने जैव प्रक्रम के तहत विभिन्न क्रियाओं को पढ़ा था, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन इत्यादि। उसी जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम अब अगली क्रिया उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन का अर्थ है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिनके दौरान कुछ अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे श्वसन की क्रिया जब होती है, उस वक्त कार्बनिक पदार्थों का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के दौरान ही उच्च श्वास के द्वारा हमारे फेफड़े से होकर शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हमारे शरीर में प्रोटीन का विखंडन अमीनो अम्ल में होता है, जिस दौरान कुछ नाइट्रोजिनस पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि, जो जलीय अकशेरुकी जंतु हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें अमोनिया का निर्माण होता है। जो एविज वर्ग हैं, यानी पक्षी वर्ग हैं, रेप्टिलिया हैं, इनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। उच्च श्रेणी के स्थलीय जंतुओं में प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। मनुष्य उच्च श्रेणी का जंतु है, इसमें प्रोटीन के विखंडन से यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया एक विषाक्त पदार्थ है, इसके हमारे शरीर में उपस्थित रहने से हमारा शरीर विषैला हो सकता है और अंततः हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हमारे शरीर से आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं। ये अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में मुख्यतः चार अंग होते हैं, एक जोड़ी वृक्क या किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी या यूरेटर, एक मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर और उसी से जुड़ा हुआ यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग। ये चारों मिलकर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए इस चित्र में हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं। यह जो भूरे रंग की संरचना दिखाई पड़ रही है, यह दोनों वृक्क हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होता है जो गहरे भूरे लाल रंग का होता है। इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। वृक्क का भीतरी भाग है, यह भाग हाइलम कहलाता है। इसी हाइलम से वृक्क से मूत्रवाहिनियां निकलती हैं। यूरेटर इसी हाइलम से निकलता है और यहीं पर हाइलम में ही यह जो रीनल आर्टरी दिखाई पड़ती है लाल रंग की, यह प्रवेश करती है और रीनल वेन
इससे बाहर निकलता है। रीनल आर्टरी अर्थात वृक्क धमनी और रीनल वेन अर्थात वृक्क शिरा। यह वृक्क हमारे शरीर में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों बगर पीठ से सटे हुए उपस्थित होता है। बायां वृक्क थोड़ा ऊपर की ओर होता है और दाहिना वृक्क थोड़ा नीचे की ओर उपस्थित होता है। वृक्क से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है जो नीचे एक तिकोनी थैले के समान संरचना में जाकर खुलती है। यह थैले के समान संरचना मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। मूत्राशय के निचले भाग में मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा उपस्थित होता है। वृक्क संयोजी उत्तक और अरेखित पेशी से बना एक कैप्सूल के समान संरचना होती है जिसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला कहलाती है। मेडुला में 15 से 16 पिरामिड के समान संरचना उपस्थित होती है। इस पिरामिड को वृक्क शंकु कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क लंबी पतली और कुंडलित नलिका नुमा संरचना की बनी हुई होती है। यह नलिका जो है वह वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहलाती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं उपस्थित होती हैं जो वृक्क का निर्माण करती हैं। ये वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन वृक्क की इकाई होती है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यही नेफ्रॉन वृक्क की संरचना करते हैं और वृक्क के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम नेफ्रॉन की संरचना और वृक्क के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।